नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, राजस्थान के श्रीगंगानगर से एक वीडियो इस समय इंटरनेट पर काफी वायरल हो रहा है। दरअसल ये वीडियो है, बैंक में डकैती करने आए एक चोर से महिला बैंक कर्मी के फाइट करने का। किस तरह से महिला बैंक मैनेजर ने इस चोर से मुकाबला किया और बैंक को लूटने से बचाया। अब जो सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं, ये सीसीटीवी फुटेज राजस्थान के श्रीगंगानगर की जवाहर नगर थाना क्षेत्र की है, जहां के राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक में ये घटना घटित हुई। शनिवार की ये घटना है। शनिवार को शाम के समय धारदार चाकू की नोक पर ये लुटेरा जो है, जिसका नाम 29 वर्षीय लविश उर्फ टीशू सामने आया है। जिस समय ये लुटेरा बैंक को लूटने की कोशिश कर रहा था, उस समय इसने सभी के मोबाइल छीनने की कोशिश की। उस दौरान मौका पाते ही बैंक की मैनेजर पूनम गुप्ता ने तुरंत ही दराज से कैंची निकाली और इसके ऊपर हमला करने की कोशिश की, जिससे ये आरोपी हड़बड़ा गया और बाद में पूरे स्टाफ ने हिम्मत करते हुए उस आरोपी को पकड़ लिया। बाद में आरोपी को पुलिस में सौंप दिया गया है। पुलिस आरोपी की छानबीन कर रही है और ये पता करने की कोशिश कर रही है कि इस आरोपी का बैकग्राउंड क्या है। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, तस्वीरें राजस्थान के श्रीगंगानगर की है, जहां एक असफल बैंक लूट का प्रयास किया गया और उसमें महिला मैनेजर ने बहादुरी का परिचय देते हुए जान की बाजी लगाकर बैंक को लूटने से बचाया। तो ये घटना है राजस्थान की श्रीगंगानगर की। देखिए ये सीसीटीवी फुटेज। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।